हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो कुछ छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। मैंने अपनी गाड़ी के लिए मंगाई थी HSR की। अभी रिसेंटली एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का, तो पूरी नंबर प्लेट आगे वाली पूरी बुरी तरीके से टूट चुकी है। वो लगाने की हालत में भी नहीं है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो फिर से मैंने दोबारा से HSRP ऑनलाइन ऑर्डर करी है। ऑफलाइन तो पता नहीं मुझे प्रोसेस वगैरह क्या है क्या कुछ नहीं, तो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर करी थी। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, राजस्थान से मैंने ऑर्डर करी थी। गोदावरी .com करके एक वेबसाइट है, वहाँ से HSRP अपनी गाड़ी के लिए। तो ये पार्सल मुझे अभी अभी रिसीव हुआ है थोड़ी देर पहले, जस्ट वो भैया देख ही गए, मैं ऊपर आके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ निकलता है और किस तरीके का जो प्रोसेस है वो मैं आपको साथ शेयर कर ही देता हूँ। तो आप अलग अलग स्टेट पे हो, जो जिस भी स्टेट से हो आप जाइए www.hsrp, अपने स्टेट का नाम लिखिए, तो आपके स्टेट की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट हो जाएगी, जो होगी उस पर आप चले जाओगे, ओपन करिए लिंक को और बेझिझक आप HSRP ऑर्डर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मंगाओगे कुछ और आएगा या फिर आएगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैंने फर्स्ट टाइम भी ऐसे मंगाई थी HSRP, क्योंकि जब मैंने गाड़ी परचेस करी थी तो उस टाइम पर राजस्थान में टेंडर भी नहीं था HSRP का, ख़त्म हो रखा था। तो उस टाइम पर RTO ऑफिस में बनती भी नहीं थी, तो उस टाइम पे भी शोरूम से ऐसे ही ऑनलाइन ही ऑर्डर करके मंगवाई थी। और अभी दोबारा से वापस ये मुझे पार्सल रिसीव हो चुका है। ये गाड़ी का नंबर जो भी आपको दिख पा रहा होगा, ये इधर उल्टा दिख रहा होगा, तो ये है। तो मैं फटाफट से इसको खोलता हूँ, इसमें क्या कुछ है और प्लेटें सही सलामत आई है या टूट फाट है, जो भी है फटाफट से मैं इसको खोलता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि क्या कुछ है इसके अंदर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है जो हमें लिफाफा या जो भी है कुरियर, जो भी लिफाफा बोल लो इसको, कुरियर बोल लो, जो रिसीव हुआ है। इसमें मेरे मोबाइल नंबर और विन नंबर मैंने हाइड कर रखे हैं मेरे अंगूठे से। तो बॉक्स में क्या क्या निकलता है, इस पे जो कंटेंट दे रखे हैं इस पे एक बार नज़र डालते हैं। तो दो प्लेटें हैं और एक स्टिकर है जो हमारे तीसरी वाली नंबर प्लेट है। बेसिकली कार्स पे ना तीन नंबर प्लेट लगती है, आपको पता नहीं होगा शायद, तीन लगती है। दो तो हमारी एल्यूमिनियम की प्लेटें होती है जो आगे पीछे लग जाती है, एक स्टिकर होता है जो हमारी विंडशील्ड पे लगता है, तो वो तीसरी वाली नंबर प्लेट होती है। तो जिसकी गाड़ी पे HSRP नहीं है तो मोटा भारी भरकम चालान भी देना पड़ सकता है। तो वैसे हमारी गाड़ी पे पहले लगी हुई थी, एक्सीडेंट की वजह से टूट गई थी इसलिए दोबारा से मंगानी पड़ी। तो ये है कुछ सीन और देखते हैं इसमें क्या कुछ निकलता है, फटाफट से खोलते हैं इनको। और HSRP पहले मंगा रखी थी मैंने और लगी हुई थी गाड़ी में, तो एक्सीडेंट की वजह से टूट गई, इस वजह से दोबारा से मंगानी पड़ी। और मेरे पास कोई है भी नहीं खोलने वाला, अकेला ही हूँ मैं, बाबू है ये समझता नहीं है, तो खुद ही अकेले अकेले काट रहा हूँ, एक हाथ से फ़ोन पकड़ के रखा। तो वीडियो देखो और एन्जॉय करो। तो ये हमारा पैकेट ओपन हो चुका है, ये पूरा पैक था, ये मैंने अभी अभी काटा है जस्ट। और ये रही हमारी, इसके अंदर और देखते हैं, इसके अंदर एक दो चीज़ें और हैं, रुको एक मिनट बेटी। तो इसके अंदर एक दो चीज़ें और निकलती है, जो ये है, ये इसका रिपीट सिस्टम होता है, ये इसकी रिपीटर के लिए। इसके अलावा बॉक्स में और क्या कुछ है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं निकला है, ये जो भी है नाम पते हैं हमारे। और देखते हैं फटाफट एक बार इन पे नज़र डालते हैं, तो इन दोनों में क्या निकला है। तो ले बेटी एक मिनट हटो। तो ये गाड़ी के नंबर है और ये प्लेट जो हमारी फर्स्ट वाली है उल्टी पड़ी है। तो ये है हमारी HSRP, देख सकते हो आप पूरा बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे ये जो भी हाई सिक्योरिटी नंबर होते हैं जो लेजर से यहाँ पे प्रिंटेड है ये वाले, तो ये हमारी एक प्लेट है। और ये जो हमारा दूसरा जो स्टिकर रहने वाला है, ये ब्लू कलर का जो रजिस्ट्रेशन स्टिकर है जो हमारे विंडशील्ड पे लगता है, ये थर्ड वाली नंबर प्लेट है, ये इसको बोला जाता है तीसरी नंबर प्लेट जो कि हमारी गाड़ी के विंडशील्ड पे लगती है। अभी तो इसमें आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा और ये उल्टा ही दिखता है, बेसिकली ये उल्टा ही दिखाई देता है इसमें, ये कुछ इस तरीके से लगता है गाड़ी पे सामने की ओर, तो ये कुछ उल्टा सा दिखाई देता है जब गाड़ी पे लग जाता है सही तरीके से प्रॉपर, तब ये सही दिखता है। और ये हमारा रहने वाला है जो स्टिकर ब्लू कलर का जो इसके पीछे लगता है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लग के विंडशील्ड पे कुछ इस तरीके से पेस्ट हो जाते हैं, जिससे कि ये कुछ हमारा इस तरीके से दिखाई देता है अंदर की तरफ देखते हैं। और ये जो दिखाई देता है हमारे को कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा,
जैसे ये उल्टा दिख रहा है नंबर, अभी सीधा दिख रहा है। स्टिकर को मैं हटा दूंगा तो अंदर की तरफ से देखूंगा तो उल्टा दिखता है इस तरफ से, और ये इस तरफ से लगता है। जैसे कि ये हमारा इस तरफ वाला पोर्शन विंडशील्ड पे चिपक जाता है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे नंबर देख पा रहे हो RJ51CA2896, और ये गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डेट है, ये इस तारीख को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। और देख सकते हो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो ये है HSRP का सीन, और ये है हमारी पीछे वाली ला बेटी इधर दो, इसका सी गणेश करी दिया बेटी ने, बाबू टेढ़ी मेढ़ी करी थी इसको, रुक जाओ आप रहने दो। तो ये दोनों है भैया, ये हमारी आगे वाली है और ये हमारी पीछे वाली है। तो यही थी HSRP की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। पसंद आती लाइक शेयर कमेंट करिए बिना मत जाइए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। जय हिंद जय भारत, बाय बाय।